भारत, जहां पर 70% से भी ज्यादा आबादी गांव में रहती है और गांव की ज्यादातर आबादी खेती करती है। इसके अलावा भारत दुनिया में पहले स्थान पर है जहां सबसे अधिक शुद्ध फसली क्षेत्र है और उसके बाद अमेरिका और चीन में है। भारत में किसान बहुसंख्यक होने के बावजूद भी बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं। उनमें से एक है बैलों या ट्रैक्टरों द्वारा चलाए जाने वाला हल, जो बीज रोपण और जमीन जोतने के काम आता है। जब एक किसान खेत को हल या ट्रैक्टर द्वारा जोतता है तो अधिक श्रम, समय और साधन जैसे कि डीजल, पेट्रोल और बिजली की मांग होती है। परंतु सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने वाले हल को मोड़ा जाता है। खेत जोतने के दौरान ट्रैक्टर को काफी बार मुड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा हल उठ जाता है और किसान को फिर से हल को जमीन में गाड़ना पड़ता है। इसके अलावा ट्रैक्टर बहुत ही महंगा भी होता है, जो किसान खरीद नहीं पाता और वातावरण को प्रदूषित भी करता है। इसीलिए बहुत से शोध के बाद रोहतांग IIT दिल्ली ने BDT में बहुत से जरूरी बदलाव लाए हैं। BDT यानी कि बैलों द्वारा चलाए जाने वाला ट्रैक्टर एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कम जमीन वाले किसानों के लिए अति उत्तम है, क्योंकि इसमें किसान आराम से बैठकर हल को जोत सकता है। इसमें किसान को मोड़ पर बार बार हल को जमीन में नहीं गाड़ना पड़ता और ना ही खुद ज्यादा चलना पड़ता है। इसमें ट्रैक्टर चालक बहुत ही आराम से बीज रोपण, हेंगा चलाना और जमीन जोतने का काम कर सकता है। यही नहीं, यह ट्रैक्टर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता भी है, जो गरीब किसान आसानी से खरीद सकता है। साथ ही न ये बिजली ईंधन की मांग करता है और ना ही वातावरण को दूषित करता है। अभी तक करीब 3 BDT बिक चुके हैं, जिसमें भाड़ा, स्थापना, GST और अन्य खर्चे निकालकर यह लगभग 25,000 का पड़ता है, जो कि ट्रैक्टर से बहुत ही ज्यादा सस्ता है। भारतीय मवेशी संसाधन विकास फाउंडेशन नई दिल्ली के अनुरोध पर रोहतांग IIT दिल्ली ने कामधेनु बैल चलित ट्रैक्टर में सुधार करते हुए हरो और कल्टीवेटर के अटैचमेंट को आसानी से उठाने के लिए वायर रोप और विंच मैकेनिज्म का प्रयोग किया है। इसमें किसान की सुविधा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई कार की कुर्सी को शामिल किया गया है। अतः यह अभी तक का सबसे बेहतर DBT है, जो बहुत ही हल्का, आसानी से चलने वाला और सस्ता है।